ट्रेड सस्ता ऑप्शन का मानस से लेंगे। मानस बताइए। तो देखिए आयशर मोटर्स पर खरीदारी करने की राय रहेगी। आयशर मोटर्स पहले से ही स्ट्रांग था लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, इसलिए आयशर मोटर्स के 4350 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलनी है। 88 रुपीज के आसपास का भाव चल रहा है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए आयशर मोटर्स के 4350 के कॉल ऑप्शन में। 59 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 150 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे ट्रेड हो गया आयशर मोटर्स। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मेरी नजर है फेडरल बैंक पे एक क्लियर ब्रेकआउट है और जो प्राइस पैटर्न हम देख रहे हैं दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, जिसका ब्रेकआउट यानी निकलाइन लेवल करीबन 157 था। तो 157 के निकलाइन के हिसाब से अगर सोचे तो 155 का स्टॉप लॉस होगा फेडरल बैंक का। इसका इमीडिएट टारगेट होगा 166 का, लेकिन अगर कोई इसे वक्त दे तो प्रोबेबली 175 प्लस जाएगा पोजिशनली। तो यहाँ पे फेडरल बैंक इज ए स्विंग ट्रेड भी यहाँ पे बन रहा है और पोजिशनल ट्रेड भी अनफोल्ड हो रहा है। फेडरल बैंक में एक ट्रेड तगड़ा बना है। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा चार्ट का चमत्कार? जी हर्षिता मैम, मेरे ख्याल से आज हमें फाइनली आईटीसी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आईटीसी फाइनली एक अपने 430 435 के लेवल के ऊपर फाइनली ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि स्टॉक ने कम से कम 3 बार अटेम्प्ट लिया 200 डेमा पे और जो उसके बाद जो पुल बैक आया वो काफी शैलो थे एंड दे ऑल क्रिएटेड हायर लोज। तो अब फाइनली लगता है कि जो बेस बना है लगभग 420 से 430 के लेवल में अब स्टॉक एक अपमूव के लिए रेडी है। 436 के लगभग इसका प्राइस है, 429 का स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 446 एंड सेकंड विल बी 450। ओके, आईटीसी 436 पे याद रखिएगा। आईटीसी का ये बेहद ही शानदार प्राइस परफॉर्मेंस फाइनली निकला और ये क्लोज अगर आता है तो अबव ऑल मूविंग एवरेजेस आईटीसी क्लोज होगा। गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी बताइए, क्या मिड कैप इंडा पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, अभी कुछ समय पहले ही आईटी क्षेत्र को लेकर के काफी विश्लेषण हुआ, हमारे मित्र ने भी काफी कुछ, आशीष वर्मा जी ने काफी कुछ बताया और काफी कुछ बड़े दिग्गज और मझौली आईटी क्षेत्र के कंपनी के नाम लिए गए, लेकिन एक नाम जो मुझे सुनने में नहीं आया वो है एम्फोसिस बीएफएल। इस मझौली क्षेत्र की आईटी कंपनी और नतीजों को लेकर के तीसरी तिमाही में थोड़ा बहुत दबाव बिल्कुल था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वहां से उभर नहीं सकता ये स्टॉक। तो हमें लग रहा है कि अगर थोड़े बहुत सकारात्मक अंदेशे आईटी क्षेत्र से मिल गए या फिर इस कंपनी ने आंकड़ों को लेकर के थोड़े बहुत और सराहनाजनक आंकड़े लेकर के आए तो लंबी अवधि के लिए हमने करीबन 2600 के पार के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। ये अब तक जो हमने नतीजे देखे उसके आधार पर अगर चौथी तिमाही में या फिर इस वित्तीय वर्ष में सुधार होता है तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ सामने। ओके, एम्फेसिस।